प्रदेश की योगी सरकार जहां लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहती आ रही है, वहीं गोरखपुर में मुंशी पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। बता दें कि गोरखपुर का रहने वाला चंदन शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन किया था। चंदन का आरोप है कि आवेदन की जांच के लिए मुंशी मनोज भारती ने 15,000 रुपए की मांग की है। साथ ही बताया कि पैसे न देने पर उसका नाम लाभार्थियों की लिस्ट से काट दिया गया। वहीं पीड़ित इसकी शिकायत लेकर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास पहुंचा। इसके बाद विधायक ने शिकायत संबंधी प्रार्थना पत्र को लेकर जिलाधिकारी को मामले की जांच के लिए एक पत्र लिखा। श्रीमान माननीय विधायक जी, सबने निवेदन है कि हम मेरा मकान बनवाने के लिए फॉर्म भरे थे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि मुंशी जगपाल जी के मुंशी आए थे मनोज भारती, जो कि 15,000 रुपया तो जो सर्वे करने आए थे उनसे 15,000 रुपये की मांग की। तो उन्होंने जब हमारे पास नाम काट दिया गया और हम विधायक जी से माननीय विधायक जी से बोले कि हमारा नाम काट दिया गया, तो उन्होंने बोला जिला नाम आशुतोष पाल ने पैसे की मांग की, तो नाम काट दिया गया। माननीय जिलाधिकारी जी से निवेदन है कि हमने विधायक जी को। इतना ही नहीं, विधायक राधा मोहन दास ने सारी घटना का वीडियो बनाकर अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट कर दिया। वहीं इस संबंध में जब विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है और उसके अधीनस्थ अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर जांच कराने के लिए कहा गया है। दुखद यह है कि इतनी बड़ी योजना चल रही है लेकिन निचले स्तर के अधिकारी उसमें भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं। चंदन शर्मा का यह आरोप है कि जो उस क्षेत्र का लेखपाल है उसके मुंशी ने उनसे 15,000 रुपया मांगा, सीधे नहीं मांगा, डूडा के सर्वेयर के माध्यम से मांगा, और जब उसको पैसा नहीं मिला तो उसने तकनीकी आधार पर उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने ऑफिशियली अंडर वीडियो मेरा अपना बयान दिया, इस बात को कहा कि मुझसे पैसा मांगा गया। फिर मैंने उनके सर्वेयर आशुतोष पाल से बात किया, आशुतोष पाल ने मुझे बताया कि लेखपाल के मुंशी ने 15,000 रुपया मांगा है, चूँकि नहीं दिया गया इसलिए मकान सेंक्शन नहीं किया गया। मैंने जिलाधिकारी गोरखपुर को फ़ोन किया था, बताया था, मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास सर्वेयर की आवाज़ टेप है। मैंने अपने 2 कार्यकर्ताओं के साथ चंदन शर्मा को जिलाधिकारी से मिलने के लिए भेजा था। जिलाधिकारी महोदय ने गंभीरता से लिया है, SDM को बुलाया था, जांच करने के लिए कहा है, और मैं समझता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही ऐसे लेखपालों के खिलाफ की जाएगी। विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि फेसबुक पर डालकर मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और मेरी इस पोस्ट से लोग जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सत्ता पार्टी के विधायक होते हुए भी अपने ही प्रशासन पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले विधायक ने एक नई शुरुआत की है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी सत्ता पार्टी के विधायक के पत्र पर क्या कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।